देवता साहब चंभू के मंदिर में रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। देवता साहब चंभू के मंदिर में गसो बसारू का आगमन शनिवार शाम को हो चुका था। आज सुबह देवता साहब चंभू के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों देवता मौजूद रहे। उसके बाद यहां पर तीनों देवताओं की पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहाँ गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद, वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। देवताओं का आशीर्वाद लिया गया। वही 10 मार्च को हर साल यहां पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के हजारों की तादाद में लोग भंडारे को ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। यह भंडारा व्यापार मंडल झांकड़ी के साथ क्षेत्र के लोगों के सहयोग से किया गया है। व्यापार मंडल द्वारा इस भंडारे को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां की जाती हैं। वहीं सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर देवता साहब गसो बसारू अपने मंदिर लौट जाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट। देवता साहब चंभू के मंदिर में रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। देवता साहब चंभू के मंदिर में गसो बसारू का आगमन शनिवार शाम को हो चुका था। आज सुबह देवता साहब चंभू के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों देवता मौजूद रहे। उसके बाद यहां पर तीनों देवताओं की पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए देवताओं का आशीर्वाद लिया गया। वही 10 मार्च को हर साल यहां पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के हजारों की तादाद में लोग भंडारे को ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। यह भंडारा व्यापार मंडल झांकड़ी के साथ क्षेत्र के लोगों के सहयोग से किया गया है। व्यापार मंडल द्वारा इस भंडारे को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां की जाती हैं। वहीं सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर देवता साहब गसो बसारू अपने मंदिर लौट जाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट। देवता साहब चंभू के मंदिर में रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। देवता साहब चंभू के मंदिर में गसो बसारू का आगमन शनिवार शाम को हो चुका था। आज सुबह देवता साहब चंभू के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों देवता मौजूद रहे। उसके बाद यहां पर तीनों देवताओं की पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए देवताओं का आशीर्वाद लिया गया। वही 10 मार्च को हर साल यहां पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के हजारों की तादाद में लोग भंडारे को ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। यह भंडारा व्यापार मंडल झांकड़ी के साथ क्षेत्र के लोगों के सहयोग से किया गया है। व्यापार मंडल द्वारा इस भंडारे को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां की जाती हैं। वहीं सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर देवता साहब गसो बसारू अपने मंदिर लौट जाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट। देवता साहब चंभू के मंदिर में रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। देवता साहब चंभू के मंदिर में गसो बसारू का आगमन शनिवार शाम को हो चुका था। आज सुबह देवता साहब चंभू के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों देवता मौजूद रहे। उसके बाद यहां पर तीनों देवताओं की पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए देवताओं का आशीर्वाद लिया गया। वही 10 मार्च को हर साल यहां पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के हजारों की तादाद में लोग भंडारे को ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं। यह भंडारा व्यापार मंडल झांकड़ी के साथ क्षेत्र के लोगों के सहयोग से किया गया है। व्यापार मंडल द्वारा इस भंडारे को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां की जाती हैं। वहीं सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर देवता साहब गसो बसारू अपने मंदिर लौट जाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए रामपुर से मीनाक्षी की रिपोर्ट।